हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं कि Redmi Note 12 Pro 5G मोबाइल फोन में जो है फिंगरप्रिंट और जैसे कि फेस लॉक आप कैसे लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे इस फोन में तो कहीं पर भी आपको जो है फिंगरप्रिंट का जो है ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा लॉक लगाने का। तो मैं आपको बताता हूँ इस फोन में कैसे जो है फिंगरप्रिंट और फेस लॉक आप लगा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो है सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद जो है नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा आपको पासवर्ड लगाने के लिए, पैटर्न, पिन और पासवर्ड। तो आप जो है कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट वाला जो है पैटर्न को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेकेंड चलता है गेट इट, यहाँ सेकेंड ख़त्म होगा तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आपको जो भी है, चलिए पैटर्न में जो है कर देता हूँ दोबारा से और कन्फर्म। अब दोस्तों आपको साइड में जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको फिंगर लगाना है। चलिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ साइड से। ऐसे आप कोई भी फिंगर जो है ऐसे लगा दीजिएगा, पाँचों जो है उंगली का जो है फिंगर दे दीजिएगा। ठीक है, 100% कर लेते हैं ऐड। उसके बाद फेस भी लॉक लगा सकते हैं, तो चलिए फेस लॉक लगा देते हैं। फेस लॉक लगा दिया है, अब डन क्लिक कर देते हैं और लॉक है, लग चुका है फोन में। अभी मैं फिंगर लॉक देता हूं तो देख लीजिए खुल जाएगा। फिंगर लॉक खुल गया है, देख लीजिए। इस तरीके से जो है आप अपने फोन में जो है फिंगर लॉक और फेस लॉक लगा सकते हैं।